हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामिनेक्स। सो गाइस, आज हम आईबीपीएस एसओ का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें इस वीडियो में लेंगे। गाइस, किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग वीडियो क्योंकि हम गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग वीडियोज लेकर आते हैं। तो गाइज, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे, तो आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राज्यसभा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 एंड मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। तो गाइज, इसके टेंटेटिव डेट्स हम देखेंगे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 3 दिसंबर को शुरू हो चुका है और जिसकी लास्ट है 23 दिसंबर, और जो आपका कॉल लेटर आएगा वो दिसंबर 2021 में आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट आपको दे दी गई है, 26 दिसंबर 2021 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो उसके मतलब दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे। आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 30 जनवरी को होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू जो होगा वो फेब्रुवरी या फिर मार्च 2022 में होगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2022 में होगा। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एज ऑन 23 दिसंबर 2021 तक बिटवीन 20 टू 30 ईयर्स होना चाहिए। अब हम देखेंगे पोस्ट के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा वो 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए भी जो आपका एज होगा वो 20 टू 30 ईयर सेम रहेगा। 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, एग्री मार्केटिंग, कॉपरेशन, कॉपरेशन एंड बैंकिंग, जैसे आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी इसके लिए। तो राज्यसभा अधिकारी स्केल 1 के लिए भी आपका सेम एज क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल में आपका ये हिंदी सब्जेक्ट रहना चाहिए विथ इंग्लिश, ओके। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री, ओके। तो लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपका बैचलर डिग्री इन लॉ मतलब LLB आपका कंप्लीट होना चाहिए। एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपको ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम MMS मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग, 2 ईयर्स फुल टाइम PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM विथ स्पेशलाइजेशन आपका मार्केटिंग होना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा कैटेगरी वाइज, SC ST के लिए आपका 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा, पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का। तो अब हम देखेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो भी आपका कंडक्ट होगा उसका स्ट्रक्चर। तो जो आपके नेम ऑफ जो आपका प्रीलियम एग्जामिनेशन होगा फॉर दी पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा अधिकारी, मतलब यहाँ पे आपके पोस्ट वाइज अलग अलग प्री एग्जामिनेशन रहेगा। पहला जो पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा अधिकारी के लिए होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 125। तीनों पेपर के लिए आपको 40-40 मिनट्स दिए जाएंगे, और जो भी आपका मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर जो होगा वो 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के लिए होंगे, रीजनिंग्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो फॉर द पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ आपका जो जनरल अवेयरनेस था वहां पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर देना पड़ेगा। इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, ये 3 पेपर रहेंगे, 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे।
रहेंगे और टोटल जो मार्क्स रहेंगे 125 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन 150। ओके, तो ड्यूरेशन रहेगा वो पर पेपर के लिए 40 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। और आपको बता दूं कि जो भी आपका पासिंग रहेगा वो इंडिविजुअल पासिंग होगा। तो अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा। ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे फॉर द 60 मार्क्स एंड मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा 45 मिनट्स के। तो फॉर द पोस्ट ऑफ राज्यसभा अधिकारी इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 45 और डिस्क्रिप्टिव 2। टोटल मार्क्स रहेंगे 60 और ये भी मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी रहेगा। पर पेपर के लिए 30 30 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। तो इसके बाद में हम बात करेंगे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। आपको रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 की पेनल्टी लगेगी, मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का। अब हम बात करेंगे कट ऑफ स्कोर की। तो आपका जो कट ऑफ होगा वो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। जो भी आपके एग्जामिनेशन के जो मार्क रहेंगे वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए कंसिडर किए जाएंगे और जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पे होगा। सो गाइस, जो भी आपको इंटरव्यू के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रिंट आउट ऑफ द कॉल लेटर, जो भी आपका कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के वक्त का जो भी होगा वो उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। प्रूफ ऑफ डेट बर्थ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, मतलब आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगे उसके मार्कशीट आपको लेकर जाने हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड एट द रिजल्ट ऑन बिफोर। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। और कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कास्ट होगी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए वो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाकर एक बार कंफर्म करके वो लेकर जा सकते हैं। तो गाइज गाइज, आज मैंने आपको बता दिया है आईबीपीएस एसओ के नोटिफिकेशन के बारे में। तो गाइज, ऐसे ही आने वाले गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग आपको अगर अपडेट रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर चैनल एग्जामिनेक्स। थैंक यू गाइज।